लिटरली यार गाइज, मैं ऑक्शन में आया था एंड मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बना रहा था एंड मेरे से मिस होने वाली थी डॉज वाइपर। लिटरली यार मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं यार लिटरली भाग के आ रहा हूँ। भाई भाई मेरे को डॉज वाइपर मिल चुकी, मैं तुरंत ही वेट लगा दिया भाई उस पर। मैंने थोड़ा सा भी नहीं सोचा, जितना भी था मैंने नहीं देखा, बेट लगा दिया। पता नहीं मेरी शायद हो चुकी है, यहाँ पे डॉज वाइपर मेरे पास आ चुका है लिटरली गाइस। अब मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। और ये देखो यार गाइस, लिटरली यहाँ पे डॉज वाइपर। भाई इतने देर से मैं इतने दिनों से इस गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था, बट ये गाड़ी जो है मेरे को मिल ही नहीं रही थी भाई। लिटरली अभी मैं ऐसे मज़े में ऐसे आया था और ऐसे मज़े में पीछे से देखा, दो गाड़ी बाहर निकल चुकी थी और आके देखा यहाँ पे डॉज वाइपर। भाई इस पर सब लोग बेट लगा रहे थे, मैं आके तुरंत भाई जल्दी से गया टिकट बाई किया और यहाँ पे लगा दिया, मेरे को मिल चुकी डॉज वाइपर। ये सुप्रा, क्या सुप्रा भाई जल्दी तुम लोग हटाओ यार, मेरे को डॉज वाइपर चाहिए, चलानी है अपनी डॉज वाइपर। सो यू ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम की वीडियो ऑफ कार फॉसिल सिमुलेटर। फाइनली मेरे को डॉज वाइपर मिल चुकी है। लिटरली मैं इतने दिनों से इस गाड़ी के लिए ट्राई कर रहा था एंड आज इतने दिनों बाद 132 डे पे मेरे को ऑक्शन में मिल गई है। एंड यार मैं इतना ज़्यादा इसके लिए खुश हूँ ना कि यार इतनी इसकी जो आगे की यार ये मतलब कि आगे ये वाला जो इसका डिज़ाइन है ना, ये मेरे को भाई इतना तगड़ा इसका लगता है लुक, मेरे को वन ऑफ द बेस्ट इसका लुक लगता है। इसलिए मेरे को इसको निसान GTR से तगड़ी इसको मेरे को आगे वाला देखने में इसका लुक लगता है, इसलिए मेरे को ये बहुत अच्छी गाड़ी लगती। भक्ति नहीं है मेरे को पता है, बट ये यार इसकी लुक जो है मेरे को यार भागी है भाई, इसीलिए मेरे को आज मिल चुका है। अभी मेरे को एक गाड़ी और चाहिए जो कि फरारी FX है, मैं इसको भी टो कर देता हूँ। एंड फरारी FX भी मैं इतने दिनों से ट्राई कर रहा हूँ ऑक्शन में, लेकिन मिल नहीं रही है। अभी आ चुकी है अपने पास डॉज वाइपर, तो इसका देख लो एनालिटिक्स अभी पर 0% डर्टी है, डर्टी तो बहुत है, डैमेज 0% है। एंड अभी हम लोग इसको लेके चलते हैं, इसको फुली मॉडिफाइड कराएंगे, भक्ति नहीं है। एंड इसमें थोड़ा सा भी कस्टमाइजेशन नहीं करके दिया है। तो ऑलराइट यार इसका एक बार देख लो तुम लोग, लुक कितना तगड़ा लग रहा है भाई। अभी इसको हम लोग जो और मॉडिफाइड करा देंगे तो इसकी लुक और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अब इसको हम लोग लेके चलते हैं मॉडिफाई कराने के लिए कार ट्विनिंग एरिया में। लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रेनिंग एरिया में अपनी डॉज वाइपर को लेके। रेसिंग किट इसमें इंस्टॉल करा देते हैं नॉस को। एंड उसके बाद सस्पेंशन इतना ऊंचा भाई कौन रखता है, फॉर्चूनर थोड़ी ना इतना ऊंचे रखेंगे। एंड लाइट्स को कोई ना कोई तो लाइट रखना पड़ेगा ताकि अपनी गाड़ी जो है वो अच्छी दिखाई दे। तो यार मैं रेड यार डेविल कलर वाली एकदम वाइप देने वाला हूँ, तो अपडेट कराते हैं रेड पे। एंड अभी नंबर प्लेट ही आ गई, पहली गाड़ी है तो ओम 4 नंबर प्लेट होगा ही। तो यार मैंने इस पर ओम 4 नंबर प्लेट पे लिख दिया है। एंड इस पर यार ये नहीं रोमा का हम लोग लिखते हैं, रोमा पे डन करते हैं। व्हील्स व्हील यार होने चाहिए अच्छे व्हील्स। चलो अभी मैं कोई एक अच्छा सा एक कार का टायर चूज़ करता हूँ, ये वाली कार का टायर थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको मैं अपडेट कराता हूँ। वेल डन, अभी मेरा का ट्विनिंग हो चुका है। अभी देख लो कार कितनी ज़्यादा इसकी अच्छी लुक लग रही है यार, ये लंबी बहुत ज़्यादा, इसीलिए मेरे को पसंद है। अब हम लोग इसको पेंट भी कराते हैं, पेंट तुम लोग बताओ कौन सा कलर हम लोग कराएं। एंड अभी देख लो मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा हो गया ना, अंधा पैसा मेरे पास, इसको मैं दो करने की कोशिश करूँगा इसी वीडियो में। मेरे को ये दो डॉज वाइपर चाहिए, मैं एक बार ट्राई करूँगा। और हाँ, अपने पास पिछली वीडियो में मास्टा हम लोगों की जो अपनी पर्सनल मास्टा थी वो भी मैंने गलती से सेल कर दी थी, तो मैं उसको बाय करूंगा आज। एंड हम लोग कौन सा कलर रखें, मेरे को लिटरली समझ में नहीं आ रहा इसका कैसा कलर रखें। तो यार मैं अभी इसका कलर थोड़ा स्काई ब्लू से शेडिंग लेके हल्का करता हूँ। बस ये देखो इसका कलर कैसा लग रहा है, तुम लोग बस कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना तुम लोग अगर ये वाला कलर अच्छा लगा हो। मेरे को अच्छा थोड़ा लग रहा है, ये थोड़ा डार्क शेड में है स्काई ब्लू कलर का, क्योंकि मैंने इसमें जो स्मूथनेस और उसके बाद बढ़ा रखी है इसीलिए। एंड हाँ, ये क्या मैं अभी लेके यहाँ क्यों चल रहा हूँ, मेरे को लेके चलना चाहिए कहाँ। अभी मैं लेके चलता हूँ अपनी कार को ड्रैग रेस पे, हो सकता हो मेरे को दो मिल जाए ऑडी 8 की तरह, क्योंकि ऑडी R8 यार मेरे को तुरंत यहाँ से ऑक्शन से खरीदी है, इधर है यहाँ पे 2 मिलियन। नहीं भाई, यहाँ पे ये सस्ती गाड़ी खटारा क्यों खड़ी हो जाती है BMW की, तो यार मेरे को नहीं चाहिए। अभी मैं ट्राई करूँगा एक बार फिर से सो के आने की, क्योंकि यार हो सकता है सो के आए हम लोग मिल जाए, लक चल जाए अपना। ऑलराइट गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है, अभी हम लोग फिर से एक बार ट्राई करते हैं सो के आने की, एक बार ट्राई करेंगे, क्या पता हो सकता है हम लोग का लक चल जाए और हो सकता है हम लोग को डॉज वाइपर देखने को मिल जाए। हम लोग कार करके डॉज वाइपर को भी ले लें अपने पास, तो भी चलते हैं हम लोग एक बार देखने के लिए।
तो ऑलराइट, हम लोग आ चुके हैं कार रेस पे। यहाँ पे हम लोगों को डॉज वाइपर नहीं मिली, लेकिन ऑडी R8 मिल चुकी है। मतलब कि यार, अपने पास दो ऑडी R8 पहले से पड़ी है और एक और ऑडी R8 हम लोगों को यहाँ पे मिल चुकी है। तो यार, इसको मैं इससे रेस कराने वाला हूँ, बट कार फॉर कार रेस कराएंगे। तो हम लोग एक बार चलते हैं अपनी ऑडी R8 को लाने के लिए। सो ऑलराइट गाइस, फाइनली हम लोग लेके आ चुके हैं अपने ऑडी R8 को ट्विनिंग कराने के लिए, क्योंकि ये जरा से भी ट्विनिंग नहीं थी एंड इसमें हम लोग नॉच नहीं डाल सकते। सस्पेंशन भाई, कौन घोड़े जैसा सस्पेंशन करके चलता है? हम लोग को थार थोड़ी ना चलानी इतनी ऊंची। और उसके बाद इसको हम लोग कोई सा भी एक कलर करा देते हैं। हम लोग इसको स्काई ब्लू थोड़ा सा कराएंगे। लेट्स गो। नंबर प्लेट, अभी तक मैंने एक भी गाड़ी में ऑडी R8 के एक भी गाड़ी में अपना ओम्फो नंबर नहीं प्लेट डाला है, तो इसमें हम लोग कर देने वाले अपने पर्सनल गाड़ी नंबर हो जाएगी। एंड टायर तो जहाँ तक सही ही थे, तो मैं कोई अच्छा सा इसमें टायर ढूंढ के लगा देता हूँ, जो कि वो ऊपर बजे ना ऐसे लगे मेरे को। तो ऑलराइट, ये वाला टायर मैं भी इसको कर देने वाला हूँ, मेरे को यही अच्छा लग रहा था। एंड अभी हम लोग का कार पूरा का पूरा मॉडिफाई हो चुका है, बस इसको हम लोग को पेंट कराना बाकी है। तो अभी हम लोग इसको पेंट भी करा के देखते हैं कि वाइट में ही अच्छी लगती है, कि इसे और किसी भी और भी कलर में हम लोग कराएं तो उसमें अच्छी लगती है। अभी हम लोग इस पर लेट्स गो। एक बार हम लोग स्काई ब्लू में कराने वाले हैं, अगर वो अच्छी लगी, क्योंकि मेरे को स्काई ब्लू कलर थोड़ा अच्छा लगता है। तो स्काई ब्लू यार अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेटलिक मैं नहीं, जरा सा भी मेटलिक इस पर नहीं कराऊंगा। तो यार, मेटलिक से वो देखो डल लुक चला जा रहा है एकदम से, जो स्मूथनेस है वो चली जाती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसमें पॉलिश करा देता हूँ। लेट्स गो। अभी हम लोग की मॉडिफाई पूरी की पूरी हो चुकी है। अभी हम लोग लेके चलते हैं इसे ड्रैग रेस कराने के लिए, क्योंकि यार अभी ये मॉडिफाई हो चुकी है, हम लोग को हारने का भी जरा सा भी चांस नहीं है। बस अगर हारेंगे भी तो ग्लिच अपने साथ है ही, तो ग्लिच से जीत ही जाएंगे। लेट्स गो। भी हम लोग चलते हैं। लेट्स गो। अभी हम लोग ऑडी R8 लेके आ चुके हैं ड्रैग रेस पे, एंड ये ऑडी R8 से हम लोग रेस करने वाले हैं कार फॉर कार का। लेट्स गो। हम लोगों ने बेट कार फॉर कार का लगा दिया है। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग रेस स्टार्ट हो चुके हैं। लोग स्टार्ट कर लेते हैं इंजन को एंड गियर अप कर देते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला एंड ट्रिक के साथ हम लोग इस कार को बहुत ही जल्दी जीतने वाले हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, बस ये एलिमिनेट हम लोग को होना है। ये रेड पट्टी से आ गया ना 0-1। हम लोग हार चुके हैं अपनी ऑडी R8 को, बट ये गेम का ग्लिच है जिसको हम लोग फुल इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखो, अभी ऑलरेडी ऑडी R8 हम लोग के पास आ चुके हैं। इसको हम लोग टो करा देते हैं अपनी ये वाली ऑडी R8 से, हम लोग घर चलते हैं अभी के लिए। एंड हम लोग अभी ट्राई करेंगे कि हम लोग को माजडा मिल जाए आज की वीडियो में, या तो फिर हम लोग के पास डॉज वाइपर 2 हो जाए, तभी मैं इस वीडियो को कुछ एंड करूँगा। नहीं तो यार, आज का एंड तुम लोग चैलेंज कोई सी भी दे। एंड अभी जो मेरे को माजडा मिल चुकी थी, तो माजडा का एक ग्लिच है, माजडा को कैसे मैं ऑप्टेन कर सकता हूँ। ड्रैग रेस में हम लोग लेके चलेंगे अपनी लैम्बोर्गिनी को, एंड अगर वहाँ पे माजडा आई होगी हम लोग को सिंपली माजडा मिल जाएगी, क्योंकि माजडा से हम लोगों का जो लैम्बोर्गिनी है वो बेट फॉर कार हो जाता है। तो लेट्स गो। ये देखो, माजडा रही, ये हमारी लैम्बोर्गिनी रही। अभी हम लोग माजडा से हम लोग बेट फॉर कार करने वाले हैं। ये देखो, बेट फॉर कार आ चुका है। हम लोग रेस के लिए इसको ट्राई कर देते हैं। अभी माजडा के साथ हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी का बेस्ट बेट फॉर कार कराएंगे, एंड इसको हम लोग जीत लेंगे सिंपली से। तो ऑलराइट, देखो रेस हम लोग सिंपली वो जीत के आ गए हैं, एंड यहाँ पे माजडा हम लोग को मिल चुकी है माजडा, एंड इसको हम लोग अभी टो करा देते हैं। एंड ये देखो, अपनी लैम्बोर्गिनी को टो कराते हैं, और माजडा से हम लोग अभी बैठ के चलते हैं, क्योंकि माजडा अपने पास एक भी नहीं है। तो माजडा से भी हम लोग चलते हैं घर को, एंड इसको फुल्ली मॉडिफाई कराते हैं। तो ऑलराइट, अभी हम लोग ट्रेनिंग एरिया पे आ चुके हैं, एंड माजडा को मॉडिफाई करा देते हैं। माजडा में हम लोग ड्रेसिंग की टर्बो नॉज एंड इसका सस्पेंशन एकदम से डाउन कराने वाले हैं। एंड इसके बाद लाइटनिंग कोई सा भी एक रेड सा हम लोग करा दें, डेविल वाइव आएगी। नंबर प्लेट, हाँ, हम लोग के पास एक भी माजडा नहीं है, तो नंबर प्लेट पे ओम्फो होगा, तुम लोग को भी पता होगा। हैशटैग ओम्फो कमेंट इन द सेक्शन, मचा देना तुम लोग। कार का टायर एकदम घटिया है भाई, इसमें टायर कोई एक अच्छा सा टायर इसमें लगाना पड़ेगा। तो ऑलराइट, हम लोग ये वाला टायर इसमें कंफर्म कर देते हैं। फाइनली हम लोग का ट्विनिंग पूरा हो चुका है, अभी हम लोग इसको पेंट कराने के लिए लेके चलते हैं। तो अभी हम लोग माजडा को कौन सा कलर पेंट कराएं? हम लोग को येलो थोड़ा इस पर अच्छा लग रहा है, येलो हम लोग माजडा को पेंट करा देते हैं। एंड इसमें मेटलिक क्या करें, मेटलिक हम लोग बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं? मेटलिक में वो वाइब नहीं रह जाती, बट मेटलिक को थोड़ा सा कर देते हैं, स्मूथनेस को पूरा कर देते हैं। लेट्स गो। अभी हम लोग के पास माजडा फुल्ली की फुल्ली मॉडिफाइड आ चुकी है। हम लोग के पास माजडा, गलती से हम लोग का जो चैलेंज लिया था 5 माजडा कलेक्ट का, वो जीत नहीं पाया। मेरे को पता है, मैं वो कर नहीं पाया, वो रॉन्ग हो गया।
गॉन रॉन्ग, मेरे को पता है कि वो सही से नहीं हो पाया, बट मेरी माजडा उसके चक्कर में चली गई थी एंड अभी माजडा हम लोग के पास आ चुकी है, इसको हम लोग लगाते हैं कलेक्शन में अपने। एंड आज जो चार न्यू कार्स आई थी उसमें एक थी मर्सिडीज कूप, मेरे पास तीन की तीन कार्स आ चुकी थी, मर्सिडीज कूप नहीं थी। तो मर्सिडीज कूप में पिछली वीडियो में शायद बाई कर लिया था तुम लोगों ने, अगर देखा होगा तो भी हम लोग इसको भी मॉडिफाई करा के अपने कलेक्शन में लगा देते हैं ना। तो हम लोग मर्सिडीज कूप को फुल्ली मॉडिफाइड कराने वाले हैं, सस्पेंशन एकदम डाउन करने वाले हैं और उसके बाद लाइटनिंग कोई सी भी कर देते हैं, हम लोग को लाइटनिंग से इसमें कोई खास मतलब नहीं है। हाँ, नंबर प्लेट में आज हम लोग किसी एक को शाउट आउट देने वाले हैं, तो आज का शाउट आउट जाता है द आयुष को। जी हाँ गाइस, आप लोग सही सुन पा रहे हैं, आज का शाउट आउट जाता है द आयुष को। एंड व्हील हम लोग सिंपली जैसा है रहने देंगे, अभी इसको हम लोग लेके चलते हैं पेंट कराने के लिए। पर मेरे को ये थोड़ा सा डल कलर इसका चाहिए, ये वाला कलर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसको डन करता हूँ। मेटलिक थोड़ा सा हम लोग नहीं बढ़ाने वाले, ये देखो बहुत बेकार लग रहा है, स्मूथनेस बढ़ा देते हैं, मेटलिक कराते हैं तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है, तो मेटलिक मैं नहीं कराऊंगा। एंड अभी इसको लेके चलते हैं अपने कलेक्शन में, हम लोग इसको भी खड़ी कर देते हैं। सो ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग की बारी आ चुकी है कलेक्शन को दिखाने के लिए। हम लोग के पास इतनी गाड़ियां हो चुकी है, पहली ऑडी R8, दूसरी पोर्शे, तीसरी सुप्रा, उसके बाद चौथी यार डॉज वाइपर। या गाइस, डॉज वाइपर हम लोग को आज ये वाली गाड़ी मिली है। एंड यार इसकी जो आगे का लुक है मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पांचवा लैम्बोर्गिनी, साथ ही मास्टर RX, हम लोगों ने इसको लैम्बोर्गिनी से जीता है, वो रही जिस लैम्बोर्गिनी से हम लोगों ने जीता है इस मास्टर RX को। एंड ये मस्टैंग GT इसको हम लोगों ने ऑक्शन में लिया था, एंड ये ऑडी R8 ये भी हम लोगों ने लिया था, अभी हम लोग को दिखा दिए। एंड ये रही अपनी निसान GTR, फास्टेस्ट कार है, इसको हम लोग जल्दी चला नहीं रहे इस टाइम अभी ये। और ये अपनी लास्ट कार मर्सिडीज कूपे, जो कि चार गेम में ऐड हुई थी, मेरे पास सभी की सभी कार हैं, बस एक कार को छोड़ के फरारी FX सभी कार मेरे कलेक्शन में है। तो यार अभी आप लोग को और कौन सा चैलेंज देना है मेरे को, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड मेरा तुम लोग को कलेक्शन कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। एंड आइए अंकल मेरी गाड़ी साफ़ नहीं करें, इनका स्किल पॉइंट बढ़ा देते हैं हम लोग। स्किल पॉइंट हम लोग के पास है, बट ये अनलॉक क्यों नहीं हो रहा है? ये देखो अनलॉक का एक सेक्शन एकदम से डल आ रहा है, मतलब कि अनलॉक हो ही नहीं रहा है। मैं पूरी भी ट्राई कर रहा हूँ, फिर से एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। ये देखो फिर से भी वही दे रहा है, अनलॉक कर ही नहीं सकते, फास्टर एम्प्लॉय कर ही नहीं पा रहे हम लोग। पता नहीं भैया ये क्यों नहीं हो रहे हैं। ओए कल से साफ़ सफाई करने नहा दोगे ना, ऐसे मलिच बन के चले आते हो, मैं तुमको अपग्रेड भी कर रहा हूँ, अपग्रेड भी नहीं हो रहे। साफ़ सफाई और मास्क अच्छे से पहनना, ये मास्क घटिया से बदल दो, बहुत दिन से ही पहन रहे हो। ये देखो पोछे से, इससे तुम्हारा मैं मुँह पोछ दूंगा, बदतमीज। नया कपड़ा और अच्छे से पहन गया हो यहाँ पे यार, मैंने तुमको 500 रुपये महीना दिन का दे रहा हूँ यार, तुम समझते नहीं यार तुम। यार जल्दी से जाओ, इस कपड़े को बदल गया हो। तो यार गाइस, बाकी आप लोग को मेरा कलेक्शन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। एंड हाँ, आज के लिए बस इतना ही, रखते हैं मिलते किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।